Hey guys, Assalamualaikum. This is Muzaffar Khan and welcome back to my YouTube channel. आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ सदर अपना फोन ठीक कराने के लिए, क्योंकि काफी दिन हो गए मुझे, 4-5 दिन कि मेरा फ़ोन टूटा हुआ है और मैं हमाद के फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ फ़ोन ठीक कराने और मेरा रोज़ा भी वैसे बाहर ही खुल जाएगा, तो रोज़े का तो मैंने कुछ और ही प्लान सोचा हुआ है। तो आए बस अभी निकलता हूँ। और तो भाई शूज़ वगैरह मैंने पहन लिए, भाई गए हुआ था बाइक लेके, वो अभी आया और बस मम्मा से मिलता हूँ और उसके बाद निकलता हूँ। अच्छा, मेरे फ़ोन का सिर्फ वाइड एंगल चल रहा है जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और बस मैं बस मम्मा से मिलना हूँ। ठीक है मैं ओए मम्मा का दोस्त मम्मा के साथ बैठा रहता है नहीं टाइम। तेज हो रहा है आज। हाँ क्या कर रहे है? जा रहे हैं, उड़ रहा है ऐसे भाग रहे। देखा है, आजो। मम्मा ने इसका नाम क्या रखा है? मम्मा पीरू। तुम लोगों ने रखा है, मैंने मोटू रखा है। अमन ने मोटू रखा है, मैंने पीरू रखा है। पुत्र क्या कह रहा है? अच्छा चलें, ठीक है मैं निकल रहा हूँ। बाय 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 मिट्टू। अभी नीचे उतरा एंड आई जस्ट रियलाइज कि आज गर्मी इतनी खतरनाक है। मैं तो एक दिन गर्मी के अंदर शर्ट पहन लूँ ऑब्वियसली इसकी धूप में तो ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, और आज होने वाला ही है। तो बस निकलते हैं, अब देखते हैं आगे का सीन क्या है। भाई कहीं खुआरी वाला काम हो, कहीं दूर जाना हो और आपका कोई अपना काम हो, उसमें निज़ाम भाई ना हो मेरे साथ, तो फिर काम कैसे होगा। खास तौर पर इसको लेना है, वो मैं देखे अगर तैयार होकर बैठा हुआ है। तेरा बाप की शादी है क्या? मतलब मैं कहीं जाना होता तब तैयार नहीं होता मैं। हाँ तो ये है, आपको कभी भी तैयार नहीं दिखेगा ये, और कहीं फारिग जाना होगा आपको तैयार दिखेगा। बेहतरीन लड़कियाँ डाउन करूँगा। तो बस अब हम जा रहे हैं सदर और मिलते हैं। तो बस अभी हम पहुँचे हैं यहाँ मॉल पर फ़ोन ठीक कराने के लिए, और आगे फ़ोन ठीक होने चले जाएगा नीलम भाई के पास 7 प्लस, जिससे हमारा ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तो बस जब फ़ोन ठीक होता है फिर मिलता है। तो भाई अभी हम लोग कैमरा ठीक करा के निकले हैं, पर कैमरा ठीक नहीं हुआ, कैमरा टूट गया मेरा। तो एक आध दिन में नया कैमरा लगेगा मेरा, वो कैमरा भी है नहीं तो अभी ये ले लो। मुझे वाइड एंगल से काम चलाना है तब तक। तो भाई अब क्यों बोल ले? तो भाई अब हम घूम रहे हैं सदर में, हम लोग सोच रहे हैं कि हम इफ्तारी क्या करें। हमने इफ्तारी करनी है 2 दरिए पे। तो भाई हमारे पास ऑप्शन है KFC, रोजाना की तरह KFC और KFC। तो आप लोग बताएं हम क्या इफ्तारी कर सकते हैं। यही भाई बेहतर बनना है, बहुत अच्छा बनना है यार, ये खाने के मामले में, पीने के मामले में। हो गया मुझे भगवान को लंबी तो नहीं हो गई। ओ बादशाह, हमारा डिसाइड आगे से हमारा डिसाइड हुआ है कि हम पिज़्ज़ा खाएंगे आज, वो भी ब्रॉडवे का। तो भाई अब हम पहुंच गए हैं ब्रॉडवे, हमने ऑर्डर करना है, हमारे पास आधा घंटा है सिर्फ, उसके बाद हमने वापस जाना भी है वहाँ पे। तो देखते हैं कैसे होता है मैनेज भाई पूरा। कि हम दो बंदों ने दे दिया ऑर्डर 2 पिज़्ज़ा का, दो मीडियम पिज़्ज़ा हम दोनों ने खा रहे हैं, और देखते हैं पूछना। हाँ तो अब हमने निज़ाम भाई ने बिल भी मेरी तरफ से लिया है। पूछू क्या? अरे यार हाँ और जी जी डांस करके दिखाओ। और गार्लिक पेप्सी। तो भाई स्टार्ट करते हैं, सही अब बात करते हैं। हाँ तो भाई हमने 2 पिज्ज़ा ऑर्डर दे दिए हैं, भी नहीं करें हम आगे से ले लेंगे। तो भाई निज़ाम भाई और मैंने 2 पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया है जो कि मेरी तरफ से। कितनी बार बता चुके हैं बाकी? नहीं नहीं एक बार ही बताइए। ठीक है यार, ये छोड़ दे तेरे मतलब की नहीं है, चल फौरन फौरन फ्री हो जाता काट के देखते का। एक्सक्यूज में क्या दे रहा है? बिल देना पड़ रहा है। अच्छा तुझे तू दे रहा है? मैं तो तुम पागल बना देते, मैं देता हूं मैं देता हूं। अच्छा कार्ड पे नाम दिखा देना जरा। अबे ये लोग क्या कह रहे थे? कार्ड पे नाम तो दिखा दे जरा।
ये वाला जो जिस पे जिससे चार्ज कराएगा जिससे चार्ज कराएगा चार्ज करा अच्छा करा भाई कहाँ है नहीं नहीं इससे कर थोड़ा सा भरम मारने दो ना ब्लॉग में थोड़ा सा हैवी सीन आने दो धीरा धीरा काट अच्छा ये है काट दे क्या नाम लिखा हुआ है दिखाओ 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 और ये अकाउंट नंबर चौड़े में बिल दे दिया भाई राम भाई क्या किया तुमने आज राम भाई मेरे साथ अकेले घूमेगा ना तो फायदे में रहेगा पर ये सारे देखने वाले तुझे रात में नहीं छोड़ेंगे रात में तो कोई नहीं छोड़ेगा आज तो मैं भूल गया तो राम भाई ने छोड़ा भी दे दिया बिल हाँ भाई राम भाई तो भाई हमने ले लिया है पिज्जा अब हम जा रहे हैं वॉल की तरफ उधर या कुछ नया नहीं हमेशा की तरह बाइक पे पेट्रोल का था भाई हमारी सहरी भी ठंडी हो रही है धक्का लगा सैफा धक्का लगा चल चल धक्का लगा चल राम भाई ऐसी यहाँ बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है ऐसे चलता रहे ऐसे ही चलता रहे मैंने बताया था ना लोगों की जिंदगी में लड़कियों का मसला होता है किसी की जिंदगी में जॉब का मसला होता है किसी की जिंदगी में घर का मसला होता है हमारी लेकिन हमारे पता नहीं मुझे भाई किसी ने सारी प्रॉब्लमों को हमारा एड्रेस दे दिया लगता है दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम को किसी ने अपना ही पता पता दिया है अरे राम भाई ने सही तरीके से बोला नहीं लेकिन आपको समझ गया होंगे भाई पेट्रोल है भी इतना महंगा कि खत्म हो गई हाँ राम भाई तो भाई हम यहाँ पर आए थे सोच के रश बिल्कुल भी नहीं होगा लोग भी नहीं होंगे पर यहाँ तो भाई माशाल्लाह लोग भरे पड़े हैं रश तो देख निजाम भाई यहाँ तो बस से भर भर कर क्या करें भाई चलो कहीं जगह बना के बैठते हैं हम इससे जाओगे कहीं और जा भी नहीं सकते क्योंकि हमारा रोज़ा खुलने में सिर्फ और सिर्फ एक दो मिनट है रोज़ा भी खुलेगा तो चलें यहीं पर ही कहीं जगह बनाते हैं बैठते हैं तो हम यहाँ आके बैठे हैं तारी करने के लिए और यहाँ पे पूरे वहाँ तक लोग ही लोग हैं माशाल्लाह नहीं पता बहुत मजे ही बस पूछ लें झूठे बैठ जाएंगे हमारे तो पिज्जा है भाई पिज्जा खाएंगे भाई यहाँ पे रोज़ा खुल चुका है और निजाम भाई मेहनत कर रहे हैं काम कर रहे हैं आज थोड़ा सा निजाम भाई के पैसे हो गए तो पिज्जा आए यहाँ पे पैसे मांग रहे हैं मुझसे बोला पैसे ट्रांसफर करो लेकिन इतना मजेदार मजा आ रहा है क्या करें इसका व्लॉग है ये हीरो है हम लोग कुछ नहीं कह कह भी नहीं सकते आप कुछ यार क्योंकि एडिट मैं करूंगा एडिट तू करेगा हम सच बयान करना चाहे तो भी नहीं कर सकते यार वाकई में इनकी बड़ा मजे की इफ्तारी है तो चलें अब हम भी अपनी इफ्तारी करते हैं टाइम रोज़ा खुले कोई 5 मिनट हो चुके हैं शो पे नजर डालने जा रहा है जब खुद जा रही है मैं क्या करूँ जागी हुई थी वो के हो सकता है पूछ ले तुझे हाँ नहीं पूछा ही तो भाई इफ्तारी हो गई हमारी यहाँ पे डन और भी अच्छी हो सकती थी अगर यहाँ का हमारा ब्रॉडवे का पिज़्ज़ा अच्छा होता बिल्कुल बकवास उन्होंने पिज़्ज़ा दिया था बिल्कुल लाइक कच्चा पिज़्ज़ा उन्होंने दिया था हम लोगों को और बस और भी अच्छा हो सकता था लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर यहाँ पर आते हैं अपनी फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ आएँ लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें जो है कचरा यहाँ पर देखें कितना लोगों ने कचरा किया हुआ है तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है अगर इस चीज़ को आप लोग साफ़ नहीं करेंगे तो ये चीज़ हमेशा गंदी ही रहेगी और आके आप लोगों ने आप लोगों को और आगे बोलना है कि गंदा हो रहा है और ये गंदा भी सिर्फ हमारी और आप लोगों की वजह से हो रहा है तो आएँ तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि ये बीच है और यहाँ को साफ आपने रखना है और हमने रखना है तो बस मेरे लिए मैंने देख के हैरान हो गया कि यहाँ पर इतने लोगों ने कचरा किया हुआ है मैंने तो अपना सारा कचरा जमा कर लिया है तो रोज़े के बाद चाय ना हो तो फिर रोज़ा अजीब सा लगने लगता है तो बस अभी आए हम दोनों चाय पीने के लिए दोनों निदाम भाई और मैं यहाँ पे बैठ के सीबी में बैठे हुए तक हम लोग चाय पी रहे हैं तो बस यहाँ से घर जाएंगे एंड मैं घर जाके करूँगा क्योंकि इसका कैमरा नहीं चल रहा है इससे वाइड एंगल से मुझे बनाना पड़ती है सारी वीडियो तो इंशाल्लाह कल या परसों से मैं प्रॉपर कैमरे से शूट करूँगा तो बस निकलते हैं घर
तो बस अभी घर आए और आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पे खत्म। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।